छठ पूजा के नजदीक आते ही दिल्ली में चहल पहल पड़ गई है। त्योहार के लिए जरूरी सामान खरीदने वालों की बाजारों में भारी भीड़ है। छठ पूजा के लिए लोग बांस के सूप, टोकरियां, फल और पूजा का सामान खरीद रहे हैं। हालांकि महंगाई की वजह से लोगों का उत्साह पहले से कम हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार में कीमतें लगभग दोगुनी हैं। हम कितने 7 साल से छठ पूजा कर रहे हैं। पहले तो बिहार में करते थे, 3 साल से यहाँ कर रहे हैं, मगर दिन से दिन हर साल महंगाई और बढ़ती जा रही है। जो सामान था 100 का से अब 200 का, 250 का ऐसे करके दे रहा है। हम सब छठ पूजा 5-4 दिन पहले से ही तैयारी करने लगते हैं छठ पूजा की। जैसे खरना का होता है, पहले अर्घ का होता है, सामान सब खरीद के लाते हैं। मैं एक्चुअली सूप खरीदने के लिए आई थी, तो आंटी ने बताया कि 100 रुपए का है, जबकि मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए का होगा। शायद फेस्टिव सीजन की वजह से इतना महंगा है, बट इतना होना नहीं चाहिए। मैं पिछली बार जब खरीदने के लिए गई थी तो मेरे को 50 रुपए में मिल गया था, 20 रुपए एकदम से इतने हाई रेट बढ़ गए हैं। उसे देख के लगता है कि पहले से बहुत ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। अभी तक महंगाई तो बहुत हो गई है, 10 गुना महंगाई। जो 100 रुपये में मिलती थी सामान, वो अभी मिल रहा है 110, समझ गए। बहुत उत्सव तो बहुत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बढ़ा रहे या घाटा लेना ही पड़ेगा, भगवान का डर जोगना। सूप मिलता था 50 रुपये में, सूप ले गई अगले साल, इन साल 80 रुपये में, बताइए कितना गुना फालतू। इस बीच छठ से पहले यमुना संसद संगठन ने यमुना नदी का शुद्धिकरण किया। संगठन ने ITO पर बने छठ घाट पर यमुना भिक्षाटन महायज्ञ किया। कार्यक्रम में दिल्ली BJP के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी हिस्सा लिया और संगठन के काम की सराहना की। छठ महापर्व पूरे पूर्वांचल समाज का नहीं, पूरे देश का पर्व है। सूर्य देव की आराधना और अर्घ के साथ ये पर्व प्रारंभ होता है, लेकिन इस पर्व की एक विशेषता हमेशा से ये भी रही है कि ये बहते जल में इसकी मान्यता रही है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में आप देख रहे हैं कि यमुना की जो स्थिति है उसमें आप यमुना के अंदर अर्घ नहीं दे सकते, इसलिए कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। और लगातार पिछले 10 वर्षों से हम सुन रहे हैं कि इस साल हम यमुना को साफ करेंगे, इस साल हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन वो काम धरातल पे उतरा नहीं है। धरातल पे सिर्फ एक चीज उतरी है, वह है भ्रष्टाचार, चोरी और लूट। हमारी एक छोटी सी मांग है, जैसे यमुना मैया हमारी, जिस हिसाब से हम यमुना जी को अपनी माता कहते हैं, तो उस हिसाब का स्वरूप हम इन्हें देना चाहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ITO के बगल में ही बैठे हैं, पर जब भी आप इस ब्रिज से गुजरेंगे तो आपको स्मेल आती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी नाले के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो हमारी बस इतनी सी डिमांड है कि प्लीज यमुना को क्लीन करवा दीजिए। हम सब मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारी जनता और सरकार साथ रहेगी तो हम इसमें सफल जरूर होंगे। देश के कई राज्यों में छठ पूजा मनाई जाती है, लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसकी खास अहमियत है। दिल्ली में छठ पूजा के लिए 7 नवम्बर को सरकारी छुट्टी दी गई है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के त्योहार मना सकें। इसके अलावा दिल्ली सरकार छठ के लिए पूरे शहर में 1000 मॉडल घाट बनाने की तैयारी भी कर रही है।